एक सवाल ये है कि सोने में, चूंकि आम तौर पर जब जेवर बनाया जाता है तो सोने में खोट वगैरह होती है, तो क्या खोट को अलग करके सोना जोड़ेंगे और उसका निसाब पूरा करेंगे या फिर कुछ और तरीका है? जवाब ये है कि यह बात सही है, जब जेवर बनता है तो उसमें कहीं ना कहीं खोट रह आ जाती है, उसके बगैर जेवर बनते ही नहीं हैं। तो अगर खोट का मामला है तो उलमा फरमाते हैं कि सोना अगर ज़्यादा है, खोट कम है, तो खोट को भी सोने के साथ सोने ही के हुक्म में मानेंगे और उसको भी उसी कीमत से जोड़ेंगे, और अगर खोट ज़्यादा है, सोना कम है, तो फिर खोट का हिसाब होगा, सोने का नहीं।